नमस्कार दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को माता सीता का जन्म हुआ था। इस दिन को सीता नौमी, सीता जयंती और जानकी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि साल 16 मई दिन गुरुवार को सीता नौमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। इस दिन देवी सीता का पूजन करने से जीवन में सुख शांति आती है। इस बीच आपको बता दें कि सीता नौमी के शुभ दिन पर अगर कुछ उपाय कर लिए जाएं, तो आपके जीवन की हर परेशानी छूमंतर हो जाएगी। जिसके चलते आज की इस वीडियो में हम आपको सीता नौमी से जुड़े कुछ अचूक उपायों के बारे में बताएंगे, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरू करते हैं पहले उपाय से। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो ऐसे में सीता नौमी के दिन सुहागिन महिलाओं को माता सीता करनी चाहिए। उन्हें 16 सिंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए श्री जानकी रामाभ्यम नमः मंत्र का 108 बार जाप भी अवश्य करें। दूसरा उपाय है धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। बता दें कि यदि आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सीता नवमी के अवसर पर जब सीता का पूजन करें, तो उन्हें खीर का भोग जरूर लगाएं, फिर खीर के प्रसाद को कन्याओं में बांट दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चल रही पैसों से संबंधित हर परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि माता सीता माँ लक्ष्मी का अवतार है और देवी लक्ष्मी को खीर अति प्रिय है। ऐसे में सीता नवमी पर देवी सीता को खीर का भोग लगाना बेहद शुभ होता है। तो वहीं यदि आप अपने जीवन में धन ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, तो ऐसे में सीता नवमी के दिन पीले वस्त्र पहने, फिर माता सीता और प्रभु राम को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। उसके बाद वहां पर केसरिया ध्वज लगाएं। धर्म शास्त्रों के मुताबिक इस उपाय को करने से आपके जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सीता नवमी के दिन सीता चरित्र का पाठ करना बेहद लाभकारी माना जाता है। सीता चरित्र में माता सीता के जीवन चरित्र का वर्णन होता है। इसका पाठ करने से माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं। बताते चलें कि यदि आपके विवाह में देरी हो रही है या कोई समस्या आ रही है, तो आप प्रभु श्री राम और माता सीता की पूजा करें और एक पीले कपड़े में दोनों को हल्दी की गांठ अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से विवाह में आ रही हर समस्या दूर होती है। तो दोस्तों, आप भी सीता नवमी के शुभ दिन पर इन अचूक उपायों को जरूर आजमाएं और कमेंट में जय मां जानकी की लिखना ना भूलें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।